स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 4 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज। स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की बेहुर्मती। पुलिस की हिफाजत में इसराइली परचम लपटे शरपसंदों ने कुरान पाक और फलस्तीनी परचम को किया नजर आतिश। दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गुस्सा। आलमी इदारों की वार्निंग के बावजूद इसराइल के फलस्तीन पर हमले जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। WHO ने कहा रफा पर हमला खून की होली होगी साबित। हमास कायदीन को खतर से बेदखल करने अब अमेरिका ने खतरी क़यादत को दी सख्त हिदायत। कहा जंग बंदी को अगर हमास ने कर दिया मुस्तरद तो इसे खतर से निकाल दिया जाए। इसराइल से तिजारती ताल्लुकात तोड़ने पर तुर्किया को $10 अरब का नुकसान। तुर्क सदर एर्दोगान का बयान, कहा गजा के मुसलमानों के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार। गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी। 2300 से ज्यादा गिरफ्तार। दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र ईरान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी सील करने का किया बड़ा फैसला। बढ़ती दहशतगर्दी के पेश नज़र किया गया ये फैसला। सऊदी अरब में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मदीने मुनव्वरा शदीद बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर। छोटी नदियों के ब्रिज भी सैलाबी पानी से डूबने लगे। ब्राज़ील में भी बारिश की बड़े पैमाने पर तबाही। जनूबी रियासत रियो ग्रैंड ड्यू सिविल में तूफानी बारिश, सड़कें और पुल तबाह, 37 अफराद हलाक। तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर तशद्दुद को 1 साल मुकम्मल। अब भी कई जगहों पर तशद्दुद जारी। नस्ली तशद्दुद के 1 साल बाद मैथी खवातीन ने अमन के लिए मुंडवा दिए अपने सर। कोविड वैक्सीन जबरदस्ती लगवाकर बीजेपी ने अवाम की जान के साथ किया खिलवाड़। अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगाया संगीन इल्जाम। ब्रजवेल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल। राहुल गांधी ने कर्नाटक के CM सिद्धरमैया को लिखा लेटर। ब्रजवेल को बताया मास रेपिस्ट, जुल्म का शिकार खवातीन की हर मुमकिन मदद करने पर दिया जोर। जब तक जिंदा हूं किसी को रिजर्वेशन चोरी नहीं करने दूंगा, PM मोदी का बयान। कांग्रेस पर एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने का लगाया इल्जाम। हर कीमत पर आईन की करेंगे हिफाजत, मोदी को तबाह नहीं करने देंगे आईन। गुजरात में खड़गे, महाराष्ट्र में राहुल और UP में प्रियंका गांधी का इजहार अज़्म। महाराष्ट्र जलसेयाम के दौरान राहुल गांधी की मीडिया पर जमकर तनकीद। कहा मीडिया हमें कितना भी बुरा भला कहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अवाम की भलाई के लिए करते रहेंगे काम। प्रियंका गांधी ने अवाम से किया जज्बाती खिताब। कहा मेरे भाई को मोदी बोलते हैं शहजादा, लेकिन राहुल ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर अवाम को सुना, वहीं मोदी शहंशाहों की तरह रहते हैं। महाराष्ट्र क्या संभालोगे, PM मोदी के इस बयान पर महाराष्ट्र के खुदावर लीडर शरद पवार ने दिया जवाब। कहा मनमोहन सिंह करते थे खामोशी से काम और मोदी सिर्फ कहते हैं झूठ। BJP जीतने पर रिजर्वेशन कर देगी खत्म, आम आदमी पार्टी कायद संजय सिंह का बयान। अवाम से कहा ये आखिरी मौका, गलती से भी जीती BJP तो फिर कभी नहीं होंगे इलेक्शन। आसाम में AIUDF के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने मांगे वोट। आसाम के डोबरी की आवाम से बदरुद्दीन अजमल को भारी अक्सरियत से जितवाने की अपील की। महंगाई भयानक शक्ल कर चुकी इख्तियार। आसाम में कांग्रेस लीडर अलका लांबा का जलसा। कहा मुल्क का PM M से महंगाई पर बोलने के बजाय M से मुसलमानों का करता रहा जिक्र। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे अल्विश यादव की बढ़ी मुश्किलात। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज की FIR। सांप का जहर बेचने को लेकर कार्रवाई। महंगी कारों के बारे में भी होगी तहकीकात। पुराने शहर हैदराबाद में अमित शाह का रोड शो। रैली में बच्चों की खिदमत हासिल करने का इल्ज़ाम। अमित शाह समेत आला BJP कायदीन पर मुगलपुरा PS में केस दर्ज।
हैदराबाद लोकसभा कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी की डोर टू डोर मुहिम जोरों से जारी। एमआईएम सरबरा का हर जगह शानदार इस्तकबाल, पुजारियों ने भी की शान पोशी। इलेक्शन के बाद मोदी और रेवंत रेड्डी सिंगरेनी को अडानी को बेच देंगे, केसीआर का रिमार्क। इल्जाम लगाया रेवंत रेड्डी ने अडानी के लिए, खोल दिए है दरवाजे। हैदराबाद में धूप से आवाम का बुरा हाल, शदीद धूप का कहर जारी। हैदराबाद में भी टेम्परेचर 47 डिग्री से तजावुज, शहर के लिए सीवियर हीट वेव का अलर्ट। हैदराबाद में सोने की कीमतें मामूल पर, 24 कैरेट सोना 73,500 रुपये जबकि प्योर चांदी 830 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए, डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शन का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटी ट्रीटमेंट, हैदर नगर, कुकटपल्ली, मेट्रो फिलर नंबर 673, हैदराबाद।